الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों एक मरतबा तमाम हज़रात मोहब्बत में दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات بزرگوں دوستوں پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو अपनी इबादत के लिए अपने पाक घर में आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी तरह तमाम उम्मत-ए-मुस्लिमा को अपने पाक घर में बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया और एहसान अदा करें बहुत ही कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को अशरफुल मखलूकात बनाया और मजहब इस्लाम की दौलत से हम सबों को नवाजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों पर एहसान कर ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों के लिए जन्नत भी बनाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का मामला करते ही रहते हैं। अल्लाह रब्बुल्इज्जत का एहसान ही है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल्इज्जत का एहसान है कि हम दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल्इज्जत इंतकाम लेने पर आ जाए तो हम अल्लाह रब्बुल्इज्जत की किसी चीज से फायदा नहीं उठा सकते। ये अल्लाह का एहसान ही है और क्यों नहीं बल्कि हम क्या कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल्इज्जत के लिए। आज अगर आपके साथ कोई भलाई करता है तो उसको बदले में रुपया पैसा और एहसान अदा करते हैं उसके साथ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतने सारे एहसानात हैं जिसको हम भूल बैठे होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की एक आयत इरशाद फरमाया है जिसको मैंने आप हजरात के सामने अभी पढ़ा है। हजरते सहाबा ने कराम और उलमा ने कराम कहते हैं कि ये एक ऐसी जामिल आयत है कि अगर कुरान करीम के अंदर सिर्फ एक ही आयत यही होती तो ये जिनान के लिए माफी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों जिस आयत को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजीलाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इस आयत को मुसलमान बयान करे तो बोला कि उसने पूरे इस्लाम को बयान कर दिए। इस आयत की वजाहत पेश करे, इस आयत को सुनाए और बतलाए तो बोला कि उसने पूरे इस्लाम को पेश कर दिया। मुसलमानों को चाहिए कि गुरुबाप के अंदर इस आयत को जरूर पढ़ा करें। चुनाचे आप देखते हैं कि हर हफ्ता जुमे के दिन हर इमाम और खुतबा जब वो इमामत पे खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं तो उस अंदर उस आयत को जरूर पढ़ते हैं।
आयत क्या है, इन्नल्लाह यअमुर बिल अदल वल इहसान व ईताए ذی القربى व ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन बातों को करने का हुक्म दिया है और तीन बातों से रोका है, तीन बातों का अमल है और तीन बातों से मना किया है, यानी जिसके अंदर अवामिर भी है और नवाही भी है। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन कामों का करने का हुक्म दिया है और तीन बातों से बचने का हुक्म दिया है, और दोनों की तीन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह, और जो इन तीन बातों से रुक जाएंगे तो पूरे इस्लाम पर अमल करने वाले हो जाएंगे। यानी इन तीन बातों के अंदर इतनी जानियत है कि अगर इन तीन बातों पर मुसलमान अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो पूरे इस्लाम पर अमल करने वाला कर जाएगा। अगर इन तीन बातों के अंदर जो आयतें जो मलाइया बयान की गई है उस पर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह पूरे इस्लाम पर अमल करने वाला हो जाएगा, और जो इन तीन बातों से जो तीन नवाही से मना रुक जाएगा तो पूरे इस्लाम के अंदर तमाम चीजें जिनसे मना किया गया उससे रुकने वाला बन जाएगा। ये बहुत ही जामे आयत थी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए उन्होंने एक बार इस आयत को खुद के अंदर पढ़ा करते हैं, इन अल्लाह यामुर बिल अदल वल इहसान व ईताए ذی القربى। अल्लाह ने इज्जत हुक्म देता है कि अदल का मामला करो, इंसाफ का मामला करो, एहसान का मामला करो और रिश्तेदारों के साथ भलाई का मामला करो, एहसान का मामला करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तीन बातें हैं जिसको हमारा गुरु ने सब इस आयत के अंदर करने का हुक्म दिया है। अदल के माने तो हम लोग समझते हैं बराबरी, अदल माने बराबरी के है, यानी जो हक वाला है तो उसको पूरा पूरा हक दी दिया जाए, उसको पूरा पूरा हक दे दिया जाए, इसको हक कहते हैं। हमारे साथ किसी ने कुछ भलाई किया हम उसके साथ भलाई करते हैं, ये अदल है। और इंसान क्या है कि हमारे साथ बुरा भी करे तो हम उसके साथ भलाई करें, हमारा दोस्त हो उसके साथ भी भलाई करें, हमारा दुश्मन हो उसके साथ भी भलाई करें, इसको एहसान कहते हैं। अगर कोई कोई हमें गाली दे तो हम उसे गाली ना दे बदले में उसको तोहफा पेश करें, उसको हथियार पेश करें, उसको दुआएं दें, ये एहसान है। लेकिन मुसलमान इसमें खाली है, अदल तो नहीं करता, एहसान तो दूर की बात है। अदल के बाद एहसान की बात आती है, यहां पर है बराबरी करना और उसके बाद बराबरी से जायद करना, ये एहसान है। किसी ने जुल्म किया आप उसका बदला ले रहे, और जिसको इस्लाम ने हक भी दिया है, अगर तुम्हारा कोई जान मारे तो भी उसको हक है कि जान दो उसका, अगर तुम्हारा कान काटे तो तुम्हारा हक है उसका कान काटो, तुम्हारा नाक काटे तो तुम्हारा हक है उसका नाक काटो, तुम्हारा एक दांत कोई बोला है तो तुम्हारे पर हक बनता है उसका एक दांत तोड़ो। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु बराबरी है, लेकिन इससे बढ़कर एहसान है। अगर तुम माफ कर दो तो ये अच्छी बात है, अगर माफ कर दो तो ये अच्छी बात है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान को पसंद फरमाता है, वल्लाह रब्बुल फज्ल अलीम, अल्लाह तबारक व तआला ने वल्लाह रब्बुल अदील अलीम ने ये फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला एहसान को तो पसंद करता ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अदल से ज्यादा एहसान को पसंद फरमाता है, वल्लाह फजल पसंद फरमाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हम सबको चाहिए कि इस जुर्मान और जुर्मान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर इशारा फरमाया है उस पर अमल करने वाले बन जाए, और जो नाको से मना किया है वो क्या है, वयल खान फहशा वल मुनकर वल बग, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फहाशी से मना किया है, बुराई से मना किया है, और अदावत से मना किया है, मुखालफत से, सरकशी से मना किया है।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमने तायराना नमाज दौड़ाए अपने मोहल्लात में, अपने गांव में, देखें कि क्या हम इस बुराई के अंदर मुलविस है या नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे भाई हमारी बेटियां बेपर नदी के साथ बाजारों में घूम रही है, मेलों में घूम रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये पांच ही नहीं हुआ और क्या है, ये पूरा नहीं दौड़ दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग बताएंगे, सीने पर हाथ रख करके बताइए, जहां यही मुसलमान बुराई होते रहे और हम अपने आपों से नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान बुरा देखे, बुरा होते हुए देखे, तो उसको जाने, तो उसको हाथ पकड़ कर रोक दे। अगर जी नहीं कर सकता है उसको समझाए, अगर जी भी नहीं कर सकता है तो अपने दिल के अंदर उस बात को, उस बात को गलत समझे। लेकिन हम लोग सीने नहीं हो सकता है, बल्कि हम उसके अंदर खुद मुलविस हो जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हाजिर हुए हैं, आज आगे हम कितने कर रहे हैं, बराबरी कितना कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतने एहसान वहां पर है, क्या हम उसके बदला दे सकते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी इबादतें करें, जितनी तारीफें करें, जितने हम लोग से ना प्यार करें, जितने भी इबादत कर ले, बहुत ही कम है, ये हमारे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपना फरमान ही कर रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई वक्त पड़ने वाला नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आप अहकाम को बजा लाएंगे तो आप ही को हमें सबको फायदा होने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्योंकि हम मुसलमान है, हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान है कि ये जिंदगी तो हर चंद लोगों का जिंदगी है, यहाँ पर से हम लोगों को जाना होगा और इंसानों की दाद भी है, उसके बाद अच्छा बदला और बुरा बदला भी है, जैसा भी है वैसा भी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जैसा अमल करेंगे वैसा ही हमें बदला मिलने वाला है। आज मुसलमान इस्लामी शरीयत से पुरसुदूर है। अगर किसी को कहा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि अपना देख लो, अपने घर वालों को देखिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी है, आलमी नबी है, तमाम आलम के लिए नबी बन कर आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी कौम के लिए, किसी मदीने के लिए, किसी गांव के लिए, किसी मुल्क के लिए नबी नहीं बनाकर भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए और अल्लाह के नबी का नबी बनाकर भेजा, हर आलम के लिए, जितने भी आलम है, जितने भी इंसान इस दुनिया में बसने वाले हैं, वो किसी भी मतलब से तालुक रखने वाले हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सबों को चाहिए कि अच्छा खुद बने और दूसरों को भी अच्छाई का दावत देते रहे, बुराई से खुद रुके, अपने घर वालों को भी रोके और दूसरों को भी इसका दावत दें, उसको भी बुराई से बचने का दावत दें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम आज तैयार नहीं होंगे और इस काम को नहीं करेंगे तो हमारे दुश्मन रात भी इसमें लगा हुआ है, रात भी लगा हुआ है। मुसलमान और अलमान कहते थे कि टीवी देखना हराम है, अगली जो मैं ऐसे स्वामी से खेली कि हर घर में नहीं, हर जेब में टीवी डाल कर तो गैर को नमन कर रहा है, गैर हमसे ज्यादा कुरान को पढ़ रहा है, गैर हमसे ज्यादा कुरान को रिसर्च कर रहा है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्या उसको देख कर बने, उसको समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या चाह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम कैसे मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के लिए कुरान को उतारा है और कुरान हमारे लिए हिदायत का जरिया है, उधर ये नास है, गैर पढ़ते हैं तो हिदायत के नूर पढ़ते हैं, समाज के नूर से नहीं पढ़ते हैं। हम मुसलमान हैं, हम कुरान को समाज के नूर से पढ़ते हैं, ईमान वाले हैं और जितना कुरान पर रिसर्च करेंगे इंशाअल्लाह ईमान में इजाफा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपने पर गौर करें कि आखिर बार मुसलमान कहां जा रहे हैं, जो अल्लाह ने हमको दिया है उसको बोल रहे हैं, के सामने पेश किया है उसको छोड़
आज मुसलमान हर तरह ही बहते नजर आ रहा है कि मुसलमान नाकाम नजर आता है, मुसलमान मजलूम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्या उस वक्त के मुसलमान इस वक्त के मुसलमान से ज्यादा थे? सहाबा किराम कितने थे? आज तो लाखों लाख मुसलमान है, उस वक्त उसमें मुसलमान उस वक्त इतने मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कामयाब नजर आते थे। क्यों? इसलिए कि उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत था, अल्लाह की रस्सी को उसने मजबूती से उठाने हुआ था, और अल्लाह अपनी इज्जत से हर नाम को आधार लिया करता था और अपने नाम को बना लिया करता था। आज हमारा रिश्ता अल्लाह से टूट गया है, बहुत ही कमजोर हो गया है। ईमान जो है बहुत ही कमजोर है। कहा जाता है, कहने वालों ने कहा है कि हमारा ईमान जो है जबान के अंदर है, उनका ईमान दिल के अंदर था, उनका ईमान दिल के अंदर था, उनका ईमान इतना मजबूत था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। हमारा ईमान इतना कमजोर है कि अगर कोई जमात वाले दावत देने के लिए जाते हैं तो हम उससे भूल ग्रहण कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है। यह हमारा पर नबी वाला काम है, ये सहाबा वाला काम है। अल्लाह ने कहा कि तामरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, के भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर ये अमल कर लोगे, ये काम कर लोगे तो तुम मुमकिन कामिल बन जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दिल के अंदर पर दुनिया पसार रही, दुनिया बीमार हो रहा, किस तरह कमाना है, किस तरह खाना है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी भी तैयारी को अल्लाह ने खुद ले लिया है। इन अल्लाह ने मुझे कुमार दशा बिना दिशा, अगर आप गौर करें तो देख सकते हैं कि लंगड़े हैं, लूले हैं, उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी खिला रहा है, खिला रहा है या नहीं आप बताए? क्या वो कमाने जा रहा है सऊदी अरब में कमाने के लिए, या कहीं कमाने के लिए काम करने के लिए गया? नहीं, सात समंदर के अंदर जो चूंटी का मछली है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी रिस्क दे रहा है, सात चट्टानों के अंदर जो कीड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी रिस्क दे रहा है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसको नहीं? जबकि जिम्मेदारी को अल्लाह ने दी थी और आप उसी के पीछे भाग रहे हैं। एक अल्लाह का रास्ता अपना है, एक अल्लाह का रास्ता अपना है, बाकी रास्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा देंगे। अللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماں کے تعالی ہیں ہم سب کے لیے۔